नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ चेहरे को गोरा और ग्लोइंग कैसे बनाएं। तो बस यही आपको आज बताने वाली हूँ, और जो कि कोई खर्चे वाली चीज़ नहीं है इसमें। इसमें आपको घर पे ही सारा कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले हमें लेने हैं मलाई, और मलाई में हमें दो तीन चीज़ ऐसे हैं जो कि वो भी हमारे घर पे ही हैं, बस उसी को मिला के हमें पेस्ट बना के अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। और आप उसको कभी भी लगा सकते हो, दिन में लगा सकते हो, रात में लगा सकते हो। तो बस अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ का पेस्ट बना के चेहरे पे लगाना है। फ्रेंड, तो पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चम्मच मलाई लेना है। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट मलाई हो और वो भी ताज़ी मलाई हो। बस एक चम्मच आपको ले लेना है मलाई को। इसके बाद एक चम्मच आपको बेसन लेना है। मलाई हमारे स्किन को सॉफ्ट रखती है, और जो ये बेसन होता है बहुत अच्छा होता है, डार्क सर्कल्स वगैरह हटा देता है। तो इसके बाद आपको हल्का सा हल्दी लेना है, ज़्यादा ना हो, नहीं तो चेहरे पे पीलापन आ जाएगा। और क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा आपके चेहरे के गोरेपन को बढ़ाता है, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें थोड़ी सी मिला लेना है गुलाब जल। ये देखिए, गुलाब जल मैं मिला रही हूँ इसमें, थोड़ा सा इसको पतला बनाने के लिए। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप उसमें पानी भी मिला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और इस पेस्ट को आप हफ्ते में एक बार या दो बार भी लगा सकते हो, और जो कि आपका गोरापन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसको लगाने से। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, दरबरापन ना रहे। ये देखिए मिक्स हो गया, और इसको थोड़ा सा और पानी सूखा ना रहे, इस तरह हिसाब से आप बनाइए इसको कि आपके चेहरे पे अच्छे से लग जाए। इतना पतला ठीक है। और आप इसको मिक्स करने के बाद आप इसे मतलब एक मिनट के लिए या दो मिनट के लिए आप रख सकते हो इसे, फिर इसके बाद आपको चेहरे पे लगाना है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि हमने पेस्ट में क्या क्या चीज़ लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं पेस्ट तैयार है। और हर किसी के घर पे मलाई उपलब्ध है, और मलाई ताज़ा हो, जैसे आप सुबह दूध गर्म कर देते हैं तो वो वाले दूध का मलाई हो, दूध और चम्मच और बेसन हो, और उसमें ज़्यादा हल्दी ना हो, थोड़ी हो। क्योंकि आप लोग सबको पता होगा कि ये जो हल्दी होती है वो इस मतलब गोरापन निखारती है बहुत ज़्यादा, और जो मलाई होती है वो हमारे स्किन को सॉफ्ट रखती है। और जो होता है बेसन, ये क्या करता है कि हमारी स्किन को टाइट करता है। ये एक फेस पैक है, फेस पैक बना के आप लगाइए इसको, आप फेस पैक भी बोल सकते हैं। और ये देखिए, इतना हमने गीला इसको कर लिया है, तो इसको मैंने एक मिनट के लिए रख दिया था कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस ये मिक्स हो गया, और अब हम इसको अपने चेहरे पे करेंगे अप्लाई। तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। तो अब मैं चल रही हूँ अपने चेहरे पे इसे अप्लाई करने। तो सबसे पहले आपको अपने मुंह को सबसे पहले अच्छे से साबुन से धुलना है, उसके बाद अगर आपके पास गुलाब जल है तो उससे भी अपना चेहरा धुल लेना। ऑलरेडी मैंने साबुन से अपना चेहरा धुला हुआ है, अब मैं इसको गुलाब जल से धुल रही हूँ चेहरे को, इस तरह से। और इसके बाद आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है हल्के हाथों से, और मोटा परत लगाना है। हल्दी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है चेहरे के लिए। इस तरह से ये एक मास्क का काम करता है। Peace.
तो इस तरह इसको आपको लगा लेना जब तक अच्छे सूख ना जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने अप्लाई कर लिया अपने चेहरे पे, एक देख लीजिए। बहुत पतला परत ना लगाएं आप, बहुत ही ज़्यादा मोटा परत लगाएं, ठीक ठीक रहे मतलब, जो कि ज़्यादा अच्छे से हमारी स्किन को टाइट करेगा, ग्लो लाएगा और बहुत ही अच्छा फील करता है। तो बस, और इसे आपको लगा के रखना है मतलब जब तक ये अच्छी तरह से सूख ना जाए। जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक हमारी स्किन पे ज़्यादा काम नहीं करेगा, इसलिए आपको इसे सुखाना है। तो ओके बाय, जब ये सूख जाएगा फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए सूख गया अच्छे से, और अब हम चेहरे को वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, अभी अभी मैं अपना चेहरा धुल के आई हूँ, अभी भी हमारे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा, कुछ मेकअप नहीं। आप देखिए कितना ग्लो कर रहा है, मेरे हाथ से भी काफ़ी फ़र्क है। ओके बाय, वीडियो